अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आईसीसी का बहुत बड़ा एक्शन आ गया है अंपायर के ख़िलाफ़। आईसीसी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है, आईसीसी ने बहुत बड़ी पाबंदी आयद कर दी। क्या पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था वो दोबारा होगा या नहीं, इसके हवाले से आईसीसी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। आईसीसी ने अंपायर के ख़िलाफ़ भी बहुत बड़ा एक्शन लिया है, जो कि नो बॉल का जो तनाज़ा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चल रहा था, इस पर अब आईसीसी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। कौन सा एक्शन लिया है, मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में एक घंटी को जरूर दबाएं, ताकि हमारे कसम नई अपडेट आपको आसानी से मिलती जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आईसीसी स्टेटमेंट के हवाले से। आईसीसी ने बताया जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो नो बाल हुआ था वो नो बाल नहीं था। आईसीसी कानून के मुताबिक अगर खिलाड़ी के फाउ क्रीज से बाहर हो तो वो नो बाल नहीं होता। आईसीसी ने इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए आईसीसी ने दोनों अंपायर पर पाबंदी आयद कर दी। आईसीसी ने दोनों अंपायर पर 10 साल पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान और इंडिया के जो मैच में जो अंपायर कर रहे थे, इस पर आईसीसी ने एक्शन लेते हुए दोनों अंपायर को 10 साल पाबंदी आयद कर दी। आईसीसी के मुताबिक आईसीसी का कहना है कि जो जब बॉल एक बैट्समैन का एक फाउ क्रीज से बाहर हो और वो नो बॉल पर शॉट लगे तो ये वो नो बॉल नहीं होता। आईसीसी